हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी। कैसे आप सभी? आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो गाइस, अभी बज रहे रात के 8:30। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अभी मैं बाज़ार गई थी गाइस, और बाज़ार से मैं क्या क्या लेके आई हूँ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं बाज़ार का वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी, मतलब मोबाइल नहीं लेके गई थी। तो अभी देखिए क्या क्या लेके आए, जो मेरे हाथों से उठ जाता है उतना सामान ले आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान लोग उठा नहीं पाती। और हमारे यहाँ ना गाइस शनि बाज़ार लगता है, मंगल बाज़ार लगता है हमारे अगल बगल में दिल्ली में। तो यहाँ पे आप देखिए, मेरा ना मन है छोला बनाने का, तो अभी हमारे घर मटर ख़त्म हो गया था, तो ये मटर ले आई, ये ले आई पोरो, लोबिया जिसे दिल्ली में बोलते, भिंडी, सेव, हरी मिर्च है। और गाइस लहसुन मार्केट में बहुत ही महंगा हो गया, और मिर्ची लहसुन 100 रुपये के पाव हो गया। फिर भी मेरे घर महंगाई में भी लहसुन मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, इसलिए ले आती हूँ, और वो बिना लहसुन के नहीं रहते। ये पानी पूरी मसाला ले आई गाइस, मुझे ना पानी पूरी बाज़ार के नहीं खाती हूँ। और छोले में डालने के लिए टमाटर बहुत महंगा हो गया गाइस। और ये मैक्रोनी ले आई बाज़ार से, क्योंकि मुझे आजकल चटपटी चीज़ें खाने के मन हो रहा है। और ये है कस्तूरी मेथी गाइस, कस्तूरी मेथी मेरी सब्जी में छोले में हमेशा डालती हूँ। ये हरी मिर्च है, और इसमें खड़ा गरम मसाला, अमचूर मसाला है, और अदरक लहसुन धनिया और मिर्ची हमारे किचन में मुझे ज़रूर चाहिए। और इसमें है इमली है, और यह है गोलगप्पे। तो गाइस मुझे ना कल छोले बनाने हैं, गोलगप्पे बनाने हैं, मतलब मुझे जो काम हुआ था मुझे तीखा खाने की इच्छा हो रही है। बट मैं कुछ भी मार्केट का जल्दी नहीं खाती हूँ, जैसे जो चीज़ें टच करके बनाते हैं, जैसे छोला नहीं, जैसे कि गोलगप्पे पानी हाथ डुबा के ऐसे बिना धोए बना देते हैं, तो मैं नहीं करती। तो मैं घर पे ही पानी तैयार करूँगी, तो उसके लिए भी पानी पूरी मसाला है, चाट मसाला और आमचूर मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरा, ये सब डाल के पानी तैयार करते हैं। तो अभी मैं इमली वाले पानी हमको अच्छा लगता है, पुदीना वाले भी पानी का बनता है, वो बनाऊंगी। और छोले बनाएंगे, छोले भी रहेगा खाने में, रहेगा छोले, और छोले को भी गोलगप्पे में डाल के खा लेंगे। छोले को भी गोलगप्पे में डाल के खाई बहुत यम्मी अच्छा है। तो कल मैं यही बनाने वाली हूँ। तो अभी मटर को भिगो देती हूँ। तो गाइज आप लोग कैसे हैं, मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज देखिए, मैंने इसको ना भिंगो दिया, तो ये रात भर में अच्छी तरह फूल जाएगा। ये बर्तन छोटा है, बड़े बर्तन, क्योंकि ये फूलेगा तो फैलेगा, इसे मैं बड़े बर्तन रखा देती हूँ। गाइस देखिए, अभी मैं खाना लेके आई हूँ, सोयाबीन, आलू की सब्ज़ी, चार मिर्ची, प्याज और पराठे। ये मेरा फेवरेट खाना है, मतलब प्याज और अचार ज़रूर मिर्ची रहना चाहिए खाने में। तो अभी खाना खाते हैं, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। और सोयाबीन की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? तो अभी सुबह सुबह मैं चाय वाय पी, लाइव की, और लाइव करने के बाद अभी उठी हूँ, और नाश्ते में बनाया है रोटी और भिंडी की सब्जी। और अभी मैं किचन में क्या बना रही हूँ अच्छे लिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसके बाद अभी नहाऊँगी, और आज संडे है तो थोड़ा लेट हो गया है, तो नहा कर पूजा करूँगी। तो पहले बना लेती हूँ छोले जो रात में भिंगोए थे, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए किचन में, यहाँ देखिएगा जो मैंने रात में छोले भिंगोए थे ना, उससे मैंने नमक डाल के और ये आलू छील के डाल दिया है, तो इससे थोड़ा ग्रेवी ठीक हो जाएगी। तो इसमें मैंने ये उबाल लिया है, और इसी में अब मैं इसकी मसाले तैयार कर रही हूँ। इसमें देखिए प्याज है, खड़े गरम मसाले हैं, लहसुन, अदरक है, तेज़पत्ते हैं, और ये दो टमाटर है। इसको ग्राइंडर जार में पीसेंगे, और इसके बाद छोले बनाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। देखिए गाइस, ये मेरा पीस चुका है,
और यहाँ मैंने फ्राई पैन चढ़ाया है, ये कुछ मसाले, कस्तूरी मेथी है, लाल मिर्च पाउडर, ये है हरी मिर्च है, छोले मसाले हैं, और इसमें जीरा डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे इसको। जो देखिएगा जहाँ मैं यह मसाले फ्राई करना शुरू कर दी हूँ, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा ना, तो इसमें मसाले डालूँगी, प्याज टमाटर है, गरम मसाले हैं इसमें, तो ये फ्राई हो रहा है। तो देखिएगा जिसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, छोले मसाले, धनिया पाउडर, और अब ये जाएगा हमारा मिर्ची, कस्तूरी मिर्ची, ये कश्मीरी मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, बस छोले में कलर अच्छी देती है, इसलिए इसको डालना है, मतलब रेड रेड कलर का छोला हो जाएगा ये डालने से। और ये जब ये रिलीज हो जाएगा ना ऑयल से, हमारा रेडी हो जाएगा मसाला, मतलब मसाला भून जाता है, ऑयल रिलीज हो जाता है, तो ऑयल देखिए थोड़ा थोड़ा रिलीज होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, मसाले भून गए थे, तो जो छोले उबाल के आलू रखे थे उसी पानी में मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए, और छोले आलू सब धो के रखे थे। और यहाँ मसाले डालने के बाद इसमें 2 से 3 सीटी लगवा दूँगी, क्योंकि थोड़े से कड़े है ना चने, मटर जो है थोड़ा सा कड़ा था, तो सीटी लगवाने से सॉफ्ट हो जाएगा, मसाले पक जाएंगे। तो गाइस आज संडे है ना, आज काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आज मैं बिना नहाए धोए नाश्ता करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, तो अभी मैं छोला बना के आ गई हूँ, साथ में ले आई हूँ अपना नाश्ता, तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, इसके बाद आती हूँ फिर नहाऊँगी। तो आज तबीयत ख़राब की वजह से आज मैंने पूजा भी नहीं किया भाई। तो यहाँ पे देखिए नाश्ते में पराठे, अचार, चटनी, मिर्ची, खाते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आप लोग व्लॉग पे बने रहे, नेक्स्ट वीडियो बने, अभी वीडियो अभी चलेगी, और हमारे छोले की भी सीटी आ रही है। देखिए गाइस ये देखिए, यहाँ दिवाली से पहले दिवाली की तैयारी मेरे बेटे ने करना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं दिवाली के लिए क्या क्या लाया, 3 रॉकेट लाया हूँ, और एक बिजली बम का 50 का पैकेट, एक बिजली बम का 100 का पैकेट, फिर यहाँ पे 80 की बुलेट बम, अभी और थोड़े लाऊंगा, एक ये नाजी वाला, ये सुतली, बस ये लाया हूँ। और इससे पोल्यूशन होगा नहीं होगा? पोल्यूशन तो होगा, लेकिन पोल्यूशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं आप, पटाखा बजाना गलत बात है। और कोई त्योहारों पे नहीं फोड़ता मैं क्रिसमस पे नहीं फोड़ता, मैं न्यू ईयर पे नहीं फोड़ता। देखिए इतने पटाखे बहन है ना बेटा, चलो कोई नहीं, थोड़े से जला लूंगा, ला दियो, लेकिन इतने सारे बजाने नहीं है, ये ला दिया बस, बांट के बजाऊंगा मैं अकेला, पूरे गली में बांटूंगा, तो सभी बजाएंगे तो पोल्यूशन तो फैलेगा। तो सुनो, सब अपने इतने पटाखे लाके सब एक साथ बजाएं, कि खाली मैं अपना इतना पटाखा लाके सब में बांट के बजाऊं, है ना, ये सही है ना। मैं गाइस ये मान नहीं रहा है, मेरा बहन है पटाखे, पोल्यूशन फैलता है, मैं हर साल मना करती, मैं तो बजाती हूँ, मैं मना करती, फिर भी मेरा बेटा नहीं मानता, मेरा भी मन नहीं करता, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, जो बच्चे मेरे ब्लॉग देखेंगे ना, अच्छी बात नहीं है, पटाखे बजाने बजाइए, लेकिन वो वाले पटाखे बजाइए जिससे पोल्यूशन ना फैले, लेकिन हाँ ना बेटा, ग्रीन वाला देख के लाए हो? हाँ ग्रीन वाला है, ये भी ग्रीन वाला, हाँ दिखाना, ये ग्रीन वाला, इससे पोल्यूशन नहीं फैलेगा, ग्रीन वाला पोल्यूशन फैलेगा लेकिन कम फैलेगा। अच्छा तो गाइस ये थोड़ा सा बाबू ना पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए लाया है पटाखे, मैं तो पहले से गुस्सा हुई, ये वाला करेगा बस पोल्यूशन, इससे मत बजाना, दिल्ली में ऐसे ही पोल्यूशन फैलता है, ठीक है नहीं बजाना। तो गाइस ये पटाखे तो लाया है, फिर भी मैं इसे रोक रही हूँ कि इतने नहीं बजाने, ग्रीन वाला है, इससे कम पोल्यूशन फैलेगा। चलो फिर तो
थोड़ा थोड़ा एक एक रॉकेट से क्या ही पोल्यूशन फैलेगा, ये तो ऊपर जाके फूट जाएगा। हाँ जाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और अभी इससे ज़्यादा नहीं गाइस, इसके पापा ने ना इसको सुबह सुबह मतलब 500 रुपये दे के गए। मैंने उनको मना किया, फिर भी मेरे से छुपा के दे के गए। मैं बच्चों को पैसे नहीं देती हूँ ना देने देती, इसलिए कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे मिस यूज करेंगे पैसों का। तो मैं मना करी, फिर भी मेरे हस्बैंड जी नहीं माने, वो प्यार दुलार दिखा देते, हाँ भाई त्यौहार है, बच्चे बड़े छोटे हैं तो ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाते, बड़े हो जाएंगे तो दिखाएंगे नहीं। इस चक्कर मेरे हस्बैंड जी दे गए, बट ऐसे उनको नहीं करना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। दे गए तो कोई बात नहीं, वो भी बड़े, मैं उनको भी इतना नहीं सिखा सकती। तो फिर वैसे मेरा बेटा पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए पटाखे लाया है, मतलब जिससे कम पर जिससे वातावरण को कम नुकसान होगा। मम्मी जी अब क्या कम यूज करूँगा, अब क्या करना है? अब इसको इसमें से एक वो लाऊंगा, क्या बोलते हैं, बॉम, बॉम छोटे वाले बॉम जो वो बॉम होते हैं ना, अभी बाकी ही था क्या वो भवानी वाला, भवानी माँ भवानी वाले, वो क्या होगा माँ भवानी का बॉम का, उसे क्या करना है, क्या करना है, स्टिकर हटा दूंगा नाम के भगवान का, क्या करना है, वो रॉकेट जैसे उसे उड़ता है। हाँ भवानी जी के फोटो को मत जला, माता रानी का फोटो बना दिया है, फोटो नहीं है भाई उस पे, उस पे ऐसी बस नाम लिखा, नाम हटा तो उसे पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, नहीं वो बस ऐसे ऊपर जाता है सुनो, और ऊपर से पैराशूट छोटा सा गिरता है। हाँ हे भगवान, हे भगवान, तो पॉल्यूशन फैलने वाले पटाखे नहीं बजाने हैं, और एक बीड़ी बम लाऊंगा। हां उससे नहीं फैलेगा, उससे फैलेगा लेकिन कम फैलेगा, बीड़ी बम लाऊंगा। ठीक है, तो दिवाली में सेफ्टी रखनी जरूरी है, ठीक है, पटाखे बजाने हैं पर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, पटाखे भी बजाओ लेकिन कम बजाओ, पॉल्यूशन ज़्यादा ना फैले, पटाखे तो बजाओ ही नहीं, मेरा मानना है तो गाइस पटाखे बजाओ ही नहीं, ना पॉल्यूशन फैलेगा। तो त्यौहार को मैं नहीं छोड़, त्यौहार को नहीं छोड़ सकते लेकिन लिमिट में बजाना है। ओके, पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखना है ना, बिल्कुल, ठीक है। देखो लाइटर लाया ताकि कोई डाल ले, माचिस तरह तो वातावरण का भी ध्यान रखो, रखोगे ना, कुल बिल पक्का, कुल बिल प्रॉमिस करो, चलो हमेशा पोल्यूशन को ध्यान में रखोगे। पता है पोल्यूशन से सांस की बीमारी होगी, जिनको अस्थमा होगा, हार्ट के पेशेंट होंगे, उन लोग को प्रॉब्लम आती है बाबू, सांस लेने में दम घुटता है, ठीक है, देखते हो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। पटाखे तो हम बजाते हैं लेकिन प्रॉब्लम कितना क्रिएट, कितना फेस करना पड़ता है, करना पड़ता है ना, इस चीज को ध्यान में रखोगे ना, बिल्कुल। हाँ तो अभी मत जाओ लाने, लेके तो आता हूँ, अच्छे वाले लेके आऊंगा, दूर फोड़ूंगा, खाली एरिया में फोड़ूंगा, बीच जगह पे ग्रीन वाला ले आओगे ना, ग्रीन वाला ले आना। तो जो सभी लोग पटाखे लीजिए, ग्रीन वाला लीजिए जिससे पॉल्यूशन कम फैले, फैलता लेकिन कम, लेकिन त्योहार है तो बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते, कोई मानेगा नहीं, है तो आप लोग भी जानते हैं सच है। तो गाइस अभी खाया पीना हो गया था मेरा, और मैं थोड़ा चैनल को लेके बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरी पता नहीं मेरे ऑडियंस को कौन ब्लॉक कर रहा है, हर रोज़ मेरी ऑडियंस लाइव में ब्लॉक हो रही है। तो गाइस मैं जो ऑडियंस मेरे ब्लॉक देख रहे हैं ना, वो प्लीज़ दूसरी आईडी बना के मेरे लाइव में आ जाया करिए, ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहे। मुझे बहुत दुख के साथ ये करना पड़ा, आप लोग ब्लॉक हो रहे हैं, मैं ब्लॉक नहीं कर रही हूँ, पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है ना, मेरी वीडियो देख रहा है ना, उसे मैं वार्निंग दे रही हूँ, तुम वकील से पंगा ले रहे हो। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, मैं भी हूँ, अभी हम छोड़ रहे हैं, बट जो भी कर रहा है मेरी नज़रों से बच नहीं सकता है, उसको तो सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा, अगर वो पकड़ा गया तो। कोई भी हैकर है अगर ऐसा काम कर रहा है तो मैं वार्निंग दे रही हूँ, मत करो, मेरे ऑडियंस को ब्लॉक मत करो, वार्निंग दे रही हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं वीडियो में धमकी दे रही हूँ तुम्हें, जो भी मेरे चैनल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, संभल जाओ, अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो संभल जाओ। इसी के साथ ना गाइस, मैं ना अपने ऑडियंस हमारे ब्लॉक हो रहे हैं ना, मेरे दिल पे छुरियाँ चल रही है, मेरे ऑडियंस हमसे दूर हो रहे हैं, मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप सब हमारी फैमिली है, और कोई हैकर है ना लगा हुआ है
वो भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है उसको मैंने बोला है, आप लोग को नहीं बोला, अपने प्यारे ऑडियंस को मैंने ऐसा नहीं बोला है, जो मेरे चैनल का दुश्मन है ना उसके लिए बोला है। तो अभी इसी के साथ हमने वीडियो को यही पे एंड करती हूँ, इसके आगे का ब्लॉग अगली वीडियो में आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल, बाय बाय।